हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं सौरभ आ चुका हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और कोलकाता में लॉकडाउन चल रही है, 10 बजे तक ही खुले रहते हैं, लेकिन ड्राइवर लोगों को थोड़ी बहुत छूट दी गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लेने, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं अभी हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, ये व्हीकल डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ और ड्राइवर लोगों को मिल रहे हैं सिर्फ। तो मैं ड्राइवर नहीं हूँ, पापा हैं, तो उनको मिल रहा है RTO की तरफ से। तो चलिए अभी चलते हैं। फ्रेंड हम आ चुके हैं, देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहीं पे वैक्सीन दिया जा रहा है। एक्चुअली में ये गैरेज है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह बसें वगैरह रखी जाती है। एंड अभी यहाँ पे नंबर नाम वगैरह लिखा दिया है और ज़्यादा अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है, अभी लगभग 45-46 बंदे आए हुए हैं। तो देख लो आप लोग, WBTC सॉल्ट लेक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, एक्चुअली आपके घर में कोई भी ड्राइवर है, कार ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, तो वो यहाँ पे आके ले सकते हैं, ठीक है। सुबह ये 9 बजे से स्टार्ट होती है वैक्सीन का, और आप लोग को यहाँ आना है टेक्नोपोलिस, सेक्टर 5 टेक्नोपोलिस से थोड़ा सा आगे जा कर के लेफ्ट में टर्निंग लेना है, वहीं पर आपको दिख जाएगी। तो ये है टाइमिंग, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन टाइम 11 से 2 बजे तक, एंड यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड हमने वैक्सीन ले लिया एंड गैरेज में भी गाड़ी लगा दिया, ठीक है, वैक्सीन पापा को दिला दिया, थोड़ा सा उनको चक्कर आया बट हम लोग 5 मिनट होल्ड किए। एंड देखो कितने ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया, काफ़ी नींद आ रही थी तो मैं सो गया था, और वैक्सीन पापा को दिला दिया मैंने। एंड वैक्सीन जो दिलाया, मैं आप लोगों को थोड़ी सी सजेशन देना चाहता हूँ कि जब वैक्सीन आप लोगों को लग जाए तो होल्ड करें, मतलब जहाँ पर वैक्सीन लगा वहाँ पर या 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ जाए, क्योंकि होगी आपको चक्कर, ठीक है। वो डिपेंड करती है, बहुत को नहीं होती है, तो ठंडी उसको जगह चाहिए होती है। तो आपका यदि कार है तो कार पे चले जाए, उसमें एसी ऑन कर ले, 10 मिनट चिल कर ले, ठीक है, ये नहीं तो ठंडी जगह धूप में रहेंगे तो और हालत ख़राब हो जाएगी इसीलिए। एंड वो 12 से 24 घंटे के अंदर में आपको इफ़ेक्ट उसका पता चल जाएगा, हो सके तो आपको फीवर भी आ सकती है, तो पारासीटामोल ये सब भी रेडी रखना। तो
यही कहना था आप लोगों के साथ। एंड आपको ब्लॉग कैसा लगा हमें वो बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जियो फाइबर पे, तो वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। एंड वैक्सीन ले लो जितना जल्दी हो, ठीक है। बाय।